हेलो आप कौन हो? विवेक, मैं हिंदू लड़कों से बात नहीं करता, प्लीज जाओ। क्या बोला आपने? मैं हिंदू लड़कों से बात नहीं करती, आप प्लीज़ जाओ। और मैंने वैसे भी रोज़ा रखा है, तो आप प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करो। आपने क्या बोला? मैंने सुना नहीं। मैं हिंदू लड़कों से बात नहीं करती, आप प्लीज़ जाओ। ये आपका प्लेस है? मेरा प्लेस नहीं है, पर मुझे बात नहीं करनी है। आप मेरे लिए तो अनजान सबसे ना, जो मैं बात नहीं करती। आपका तो नहीं, यहाँ कोई भी बैठ सकता है। फिर आपने क्या बोला अभी? हिंदू लड़कों से बात नहीं करती, आप प्लीज जाओ। अच्छा, आप हिंदू लड़कों से बात नहीं करती? नहीं। हम में कोई बुराई होती है क्या? मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन का हिंदू होने में कोई गलत बात है क्या? आप प्लीज मुझे परेशान नहीं। अभी आपने बोला आप हिंदू लड़कों से बात नहीं करती, आपको किसने बोला कि हिंदू लड़कों से बात नहीं करना चाहिए? ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी थिंकिंग है। अच्छा, ये आपकी थिंकिंग है? हाँ। नाम क्या है आपका? मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं, मैं बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। क्यों जानना चाहते हो? अरे मतलब जानना तो बुरी बात नहीं है। नाम क्या आपका? तहजीब। माशाल्लाह, भगवान कसम, नाम आपका बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। नहीं मतलब मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, आपको ये बात किसने बोली कि हिंदू लड़कों से बात नहीं करना चाहिए? मैं प्लीज परेशान हूँ, आप प्लीज जा सकते हो। नहीं, आप परेशान हैं ठीक है, लेकिन आपने ये कैसे बोला कि मैं हिंदू लड़कों से बात नहीं करती? क्योंकि ये मेरी थिंकिंग है, मुझे लगता है कि हिंदू लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप मुसलमान हैं? हाँ। तो मुसलमान हिंदू से बात नहीं करता? करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपके फैमिली में लोग क्या करते हैं? आपको बताना जरूरी? नहीं मतलब ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आपके घर वाले क्या करते हैं? शोरूम है। तो आपके शोरूम मुस्लिम ही आते हैं, हिंदू भी आते हैं? मैं आपको क्यों बताऊँ, पहले ये बताएं मुझे, मैं आपको क्यों बताऊँ? नहीं, आप जो बोल रही हैं तो वहाँ तो हिंदू भी आते होंगे, मुसलमान भी आते होंगे। हाँ, ना आते हैं। मतलब आप बिजनेस करने के लिए हिंदू से भी करोगे, मुसलमान से भी करोगे, लेकिन आप बात नहीं करोगे? हाँ। ये कहाँ, आपके कुरान में लिखा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं करना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। आपका एक्सपीरियंस लाइक कैसे बुरा है? ऐसे बहुत से लड़के हैं मेरी लाइफ में जो शायद हिंदू है, और मैं उनको, मतलब मैंने उनसे इतना लाइक ट्रस्ट बना लिया था, पर उन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तो मैं अब कैसे हिंदू लड़के से बात कर सकती हूँ? आप बताओ मुझे। आपने, अच्छा मतलब कैसा ट्रस्ट बनाया था? कोई ट्रस्ट मतलब कुछ टाइप का? दोस्ती का ट्रस्ट होता है, मतलब एक फ्रेंडशिप में ट्रस्ट की जरूरत होती है ना, एक रिश्ते में ट्रस्ट की जरूरत। अच्छा, मुसलमान ट्रस्ट नहीं तोड़ता है? मुझे नहीं पता, वो एक पर्सन पर डिपेंड करता है। मैं अगर मैं किसी की जगह होती, कोई मुझे अपना दोस्त बना रहा है, तो शायद मैं अपना ट्रस्ट ना तोड़ूं। मैं वो ट्रस्ट कायम रखती हूँ, मैं वो फ्रेंडशिप कायम रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी दोस्ती को इस हद तक निभाऊं कि सामने वाला खुश हो। ये जो कायनात है ना, अच्छा मेरा ब्लड अलग है, आपका अलग है क्या? नहीं, आप प्लीज़ जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं आपको कहाँ से परेशान कर रहा हूँ? आप लॉजिक वाली बात करिए ना। मुझे एक बात, मुझे आप रोजा रखी हैं, मैं ये आपकी एक्सेप्ट करता हूँ, आप रोजा रखी हैं, लेकिन आप करती क्या हैं आप वैसे? मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। तो वहाँ पे जो आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? हिंदू हैं। आप क्यों पढ़ती हैं उनसे? क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए। हाँ, तो आप मुसलमान से पढ़िए फिर। तो जरूरी तो नहीं है मैं मुस्लिम से ही पढ़ूँ। मतलब आपको हिंदू से बात नहीं करना, हिंदू से नॉलेज लेना है, आपको उनसे नफरत करना है उसके बाद भी? मतलब आप हमसे सीखो भी, उसके बाद इस तरीके से बोलो? आपके माइंड में ये चीजें किसने सेट कर दिया है कि हिंदू लड़का गलत होता है? एक्सपीरियंस बोलते रहिए, एक्सपीरियंस। आपका बॉयफ्रेंड था हिंदू? हाँ। दिया उसने आपको? आप गलती कर रहे हो कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो कि नहीं? ये मेरी थिंकिंग हो गई है। आपकी थिंकिंग गलत है ना। मेरे ऑफिस में हिंदू भी काम करते हैं और मुसलमान भी काम करते हैं, मैं सबको एक नजरिए से देखता हूँ, और आप इस तरीके से सोचती हैं। अब क्या करते हो? मैं भी इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? TU में जो प्रोफेसर वो पढ़ाने जाता था। क्यों सिखाओगे मुझे वैसे? क्योंकि आपको सीखने की जरूरत है। मुझे आपसे सीखने की जरूरत? आपको सीखने की जरूरत है। आपने अपना नाम क्या बताया था? तहजीब। आपका नाम इतना अच्छा है माशाल्लाह, तहजीब नाम है आपका। बात जो कह रही है बहुत बेगैरत बात कर रही है। हर इंसान यहाँ एक है यार, पानी को बांट सकते हो क्या? हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है। अच्छे इंसान लगते हो, पर जो मेरे साथ हुआ, इस वजह से मैं ये चीज़ें, शायद मेरे माइंड में ये चीज़ें बैठ गई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कों, हिंदू लड़कों से। आपके साथ जो हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता,
हो सकता है आपने भी उसको चीट किया हो, जरूरी तो नहीं है ना। नहीं देखिए आप साइड से लॉयल थी ना यार, अपने साइड से आप लॉयल थी, लेकिन आपने जो बातें बोली वो बहुत कड़वी थी और बहुत चुभी मुझे वो बातें। मुझे तो नहीं पता ना सच्चाई क्या है। मुझे अच्छे इंसान लगते हो, मतलब जैसे आप बात कर रहे हो जैसे। यार दुनिया में हर इंसान अच्छा है, कोई गलत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं परेशान थी इसलिए पार्क में आकर। मैं आपकी परेशानी बिल्कुल नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं बहुत हाइपर हो चुका हूँ। और आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है? लगता है। आप अच्छे लगे बात करने में, नीचे वाइज। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, क्या आप करोगे? मेरे अच्छे लगने से क्या होता है? हर हिंदू अच्छा है, कोई गलत नहीं है, और हर मुसलमान अच्छा है। आपका पर्सनल लाइफ में से आप कहते हैं ना कि आपके पास पर्सनल पानी है वो गंदा है, इसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया का पानी का गंदा है। दोबारा इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए इंसान को, आपको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? मैं आपसे फ्रेंडशिप जरूर करूंगा जब आप अपने थिंकिंग को चेंज कर दोगे कि हिंदू गलत है। चेंज करूंगी। आपको करना चाहिए। अगर आप अपनी थिंकिंग चेंज करेंगी तो मैं आपसे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता हूँ। मैं करूंगी। परेशान क्यों है? मेरे पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है आपके पास? आप जहाँ इंटरव्यू देने जाती हैं वहाँ सब मुसलमान होते हैं क्या? नहीं, हिंदू भी होते हैं। मैं आपको जॉब ऑफर करता हूँ। इतनी सारी बातें बोली और इतने बुरे लहजे में बात करी, फिर भी क्योंकि आपको नहीं पता है ना, आपको ये बात पता नहीं है ना कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आप नादान हो। आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे कैमरा लगा है, आप देखिए, और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे मैं YouTube पे अपलोड करूँगा। आपको उसके लिए मेरी परमिशन की तो ज़रूरत है ना? हाँ, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ। वैसे मुझे लेना तो नहीं चाहिए आपसे परमिशन, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि जो थिंकिंग आपके अंदर है लोगों के अंदर थिंकिंग होगी कि हिंदू लड़के गलत है? होगी। हाँ है, तो मेरा फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा है कि आप पॉजिटिव सोचेंगे। मुझे बहुत अच्छे लगे आपके बात करने का तरीका, मेरे तरीका, आपका नेचर, जिस तरह से आप मुझे समझा रहे हैं कि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, लोगों को गलत मैसेज जाता है या फिर आपको नहीं लगता कि चेंज होना चाहिए। एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे हमारा खून तो एक है यार। माइंड में चीजें कैसे थॉट कर दिया गया? मेरे ऑफिस में हिंदू से ज्यादा मुसलमान लोग काम करते हैं, मैं उनको क्या जॉब से निकाल दूं? क्या मैं मुसलमान लड़कियों की मदद नहीं करता हूं? मैं इनको जॉब दे रहा हूं जबकि इन्होंने जो बात बोली है ना, मतलब बता नहीं सकता हूं मैं कितना हाइपर था, फिर भी मैं आपको जॉब दे रहा हूं। आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। आप किसी के बारे में इस तरीके से बोलते हो अच्छी बात नहीं है। मुझे आप पे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, इस बात के लिए आप सॉरी बोलिए। सॉरी। और दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगी। बहुत सारे मुसलमानों की मदद करता हूँ, तो क्या मैं अपने ऑफिस से सारे मुसलमानों को बाहर कर दूंगा? नहीं। आप बताओ मेरे मुसलमान भाइयों, क्या मैं आप लोगों के लिए नहीं सोचता हूँ? क्या मैं आप लोगों के लिए मदद नहीं करता हूँ? अरे भाइयों यार, टाइपिंग के साथ।